आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन द फिगर MRWY इज इक्वल्स टू 44 डिग्री, MRZX इज इक्वल टू 68 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ZDX। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि MRWY की वैल्यू 44 डिग्री है और MRZX की वैल्यू 68 डिग्री है। हमें यहाँ पर एंगल ZDX की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिगर में हम देखें तो हमारे पास में एक सर्कल है और इस सर्कल में दो कॉर्ड्स जो हैं इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक कॉर्ड हमारे पास में YZ है, दूसरी कॉर्ड हमारे पास में XW है और दोनों कॉर्ड्स जो हैं एक दूसरे को T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें यहाँ पर एंगल ZDX को फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है तो जो इंटरसेप्टेड आर्क है दोनों कॉर्ड्स के उनका सम करके अगर हम उनको टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एंगल ZDX की वैल्यू आ जाएगी। सो वी कैन राइट एज दैट एंगल ZDX एंड दैट इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ एम आर्क WY प्लस हाफ एम आर्क ZX। सो एंगल ZTX जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दी हाफ इंटू 44 प्लस हाफ इंटू 68। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर हमारे पास में आता है 22, 21 जा 2 एंड 22 जा 4 एंड 22 जा 4 प्लस 21 जा 2, 23 जा 6, 24 जा 8, सो दैट इज द 34 एंड 22 प्लस 34 करते तो हमारे पास में आता है 56 डिग्री। सो द एंगल ZTX इज इक्वल टू द 56 डिग्री। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।